विधायक निरल पूर्ति ने कहा, एक माह के अंदर मझगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा शुरू। मझगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे प्रखंड स्वास्थ्य मेला का विधायक निरल पूर्ति ने किया उद्घाटन। मझगांव में मरीजों की सुविधा के लिए जल्द मिलेगा एम्बुलेंस। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जोसेफ कांडोलना, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सनातन चातार, जिला परिषद सदस्य पूनम जेराई, लंकेश्वर तामसोई, प्रखंड प्रमुख सरस्वती चातार। और अब खबर विस्तार से। एक माह के अंदर ही मझगांव स्वास्थ्य उपकेंद्र में नया भवन का निर्माण शुरू किया, जिससे प्रखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। ये बातें मझगांव प्रखंड में आयोजित प्रखंड स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन करते हुए मझगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय निरल पूर्ति ने कही। विधायक ने कहा कि मझगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन काफी जर्जर हो चुका था। इसको संज्ञान में लेते हुए सरकार के पास बात पहुंचकर इसका जल्द निर्माण कार्य शुरुआत किया जा रहा है। जल्द ही प्रखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलने वाला है। वहीं देखा जाता है कि प्रखंड के मरीज को बेहतर इलाज के नाम पर जिला सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। इस पद्धति से हम सभी को बाहर निकलना होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिले, ये चिकित्सा सुनिश्चित करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एम्बुलेंस की मांग की है। इसको देखते हुए संबंधित पदाधिकारी से बात कर एम्बुलेंस की सुविधा मझगांव में दी जाएगी। हमें मालूम है कि प्रखंड में सुविधा का अभाव है, इसके बावजूद हम बेहतर इलाज कैसे कर सकें, इस पर हमें फोकस करना है। झारखंड सरकार भी इसके लिए संकल्पित है कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल सके। इसके लिए सुविधा भी दी जा रही है। सभी प्रखंडों में नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, जिसमें सभी सुविधा मौजूद होंगी। मझगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जल्द ही नया भवन का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोवा शहीद दिवस में कर चुके हैं। एक माह के अंदर ही भवन का भूमि पूजन भी मेरे द्वारा किया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इसलिए आने वाले भविष्य में आप सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही खून जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत अन्य सुविधा मिलेंगी। हमें ये सुनिश्चित करना है कि स्थानीय मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही दिया जाए, जिससे मरीजों को जिला अस्पताल या दूसरे राज्य जाकर इलाज नहीं करना पड़े। मरीजों की सुविधा के लिए ही हेमंत सोरेन सरकार प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित कर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। इसका लाभ हम सभी को लेना चाहिए। मैं चिकित्सकों से भी अनुरोध करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली सभी योजना के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दें, जिससे बीमार व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग से सुविधा के लाभ ले सके। इसके बाद विधायक के द्वारा स्वास्थ्य मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। स्टॉल में भी विधायक ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी योजना के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। खासकर आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, इसके लिए स्टॉल में ही किन किन अस्पतालों पर मरीजों को सुविधा दी जाएगी, इसका उल्लेख करें, जिससे मरीज सीधे संबंधित अस्पताल जाकर अपना इलाज करा सकें। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जोसेफ कांडोलना, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सनातन चातार, जिला परिषद सदस्य पूनम जेराई, लंकेश्वर तामसोई, प्रखंड प्रमुख सरस्वती चातार, गोकुल पोलाई, मोहम्मद मुजाहिद, धनंजय तिरिया, राजेश पिंगुआ, रितेश तामसोई, मासूम रजा, दिलवर हुसैन समेत अन्य मौजूद थे।